कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपने अक्सर ये पंक्ति सुनी होंगी और हमेशा इससे मेहनत करने की प्रेरणा आपको मिली होगी। पर प्यारे मित्रों, मेहनत के साथ साथ ज़रूरी है सटीक मार्गदर्शन। अगर आपका लक्ष्य SSC है तो प्री के बाद आपको मेंस देना होगा। CGL की अगर मैं बात करूँ, कई बार हमें लगता है कि जब हम पढ़ते हैं और जब हम एग्ज़ाम देते हैं उसकी अप्रोच में, उसके दृष्टिकोण में, तब हमारे पर प्रेशर कितना होता है, ऐसी तमाम चीज़ों में फ़र्क होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम अगर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। जब हम मॉक टेस्ट करते हैं तो तब हमारे पास प्रेशर नहीं होता है कि हमें किस तरह का सॉल्यूशन करना है, कितना टाइम हमारे पास बच रहा है। किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लग भी गया तो भी हमारा माइंड उतना उस पर फोकस नहीं कर पाता। प्यारे मित्रों, क्या कभी सोचा है कि अगर एक टॉपर को टेस्ट देते हुए देखा जाए कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, पहले वो मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, या वो पहले इंग्लिश के कर रहे हैं, या वो किस सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया या उस पर लगे रहे, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं दोस्तों वो आज आपके सामने होने वाली हैं। एक टॉपर SSC CGL का, ऑल इंडिया रैंक 1, मोहित चौधरी आपके सामने अब एक SSC CGL Tier 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। वो जब पेपर सॉल्व करें तो नो डाउट उनका सॉल्यूशन तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, पर साथ ही उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, कैसे किसी टेढ़े और मुश्किल क्वेश्चन पे उन्होंने उसे स्किप किया या उस पर टाइम लगाया, आधा डाउट था तो कैसे किया, ये तमाम स्ट्रेटजीज़ अगली कुछ देर में जब मोहित चौधरी आपके सामने Tier 2 का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा। देखते हैं मोहित चौधरी कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ सेक्शन से। ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर AB कितना दे रखा है, राइट एंगल B तक है, BABC। एंगल CAB 60 डिग्री, 60 डिग्री के हिसाब से लेंथ निकालनी है BC की, और AB इतना दे रखा है 12, तो ये 1060 लगाएंगे। 1060 इज इक्वल्स टू √3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AB, AB कितना है 12, तो देयरफॉर BC इज 12√3 B। We have find the amount integral value if sum of ₹6,500 is being borrowed at 10% per annum for 2 years, compounded half yearly. 10% per annum for 2 years, मतलब 5% के हिसाब से हम लोग ब्याज दर लगाएंगे। 5% कितना होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गोल्डन रेशियो, 4 साइकिल का निकालना, 4, 6, 4, 1। 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20, तो 1/20 से 2, 3 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 1, 5, 20। अगेन हम लगाएंगे इसके ऊपर 1/20, 2 1 ज़ा 2, 1, 62.5। अगेन 2 से डिवाइड करके लगाएंगे 8.15, इतना कुछ आएगा अप्रोक्सीमेट लगाएंगे तो 13। 6 में लगाएंगे 30, 0, 3, 15, 6, 6, 6 के 36, 137, 9, 915। 8 से लगाएंगे तो कितना जाएगा 32.6, और अराउंड 0.6, 7, 3, 1, 4, 9, 3, 12, 2, 1, 2, 2247। 2247 में 6,500 जोड़ेंगे तो 7, 4, 7, 8, 8747 कुछ बन रहा है मेरा, ना अभी कंफर्म नहीं हुआ, वापस क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मिस दीपा सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी इफ सी रिसीव 42,000 पर मंथ एज अ सैलरी, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। 30% सेव करती है, मतलब अगर फुल सैलरी 100 है तो एक्सपेंडिचर 30 है और सेविंग है 30। इफ सी रिसीव 42,000 तो 1073। इफ सी रिसीव 42,000 मंथली सैलरी, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर, तो बस 42 का 70% निकालो, 7 to 14, 7, 28, 29, 29,400। द डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप इज गुड बाय 50%, देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, अपार्ट फ्रॉम ही यूजेस अ फॉल्टी वेज विच रीड्स 1 kg फॉर 900 ग्राम।
ओके, 50% मार्कअप कर दिया, मतलब कि 2 था तो 2 का सामान 3 में बेच रहा है, फिर 20% डिस्काउंट दे दिया, 5 को 4 में दे रहा है। ही यूजेज फॉल्टी वेट 9, तो 9 का 10, इसका कंबाइन नेट निकालना है मेरे को। इसका नेट निकलेगा 2 5 से कट गया, 3 3 कट गया, 3:4, 1/3, अराउंड 33%। द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर इज एल। ओके, सेंट्रॉइड ऑफ ए पी क्यू आर ट्रायंगल इज एल, दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका सेंट्रॉइड है एल, पी क्यू, एल इज दिस, वेयर पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर एंड पी एल, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 6, पी क्यू लेंथ ऑफ पी एल निकालनी है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो दिस विल बी अराउंड 6, 6 का हो जाएगा 2√3 से देखेंगे, ये हो जाता है 2:1 में डिवाइड, तो हाइट निकलेगी इसकी, पहले तो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर की हाइट कैसे निकलती है, √3/2a, तो √3/2 × 6, 3√3, 3√3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2√3, फिफ्थ का आ जाएगा ए, 2√3। देन ए बी सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 3:4:8, दे प्रॉफ, तो सिंपल टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कितना दे रखा है 2/3, प्रॉफिट 3/4, 5/8। तो पहले इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 और 4 का 8, या 8 3 24 से गुणा कर दो, 8 2 16, 6 3 18, 3 5 15, 16 18 15 का रेशियो आ जाएगा 6 का b। फिर आया था मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड क्या होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन ज़्यादा किसकी है, 27 आ रहा है 1 2 3 टाइम, तो 27 आ रहा है 3 टाइम्स, फिर 30, 30 आ रहा है 1 टाइम, 28, 28 आ रहा है 1 टाइम, 31 1 टाइम, तो मोड होगा 27। पिरामिड एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इट बेस ऑफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर, स्लैंट इज दे रखी 24 सेंटीमीटर, होल सर्फेस ऑफ द पिरामिड, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा अभी। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 10%, तो 10 + 10 - 10² / 100, तो हो जाएगा ये 20 में से बन गया 19%, इस पर ध्यान रखना है कि माइनस होगा यहाँ पे 19%, बहुत से 21 कर देते हैं, 19%। ए एंड बी टुगेदर कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 48 डेज, ए इज़ 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज एज वर्क एज बी, तो ए और बी का रेशियो अगर देखें एफिशिएंसी का, तो 4:1 आया। ए एंड बी टुगेदर, टुगेदर मतलब 4 + 1 = 5, 5 × 48 इन हाउ मैनी डेज, बी कैन यू गेट टोटल वर्क 48 × 5, बी, तो बी का जाएगा डिवाइड बाई 1, 5 × 8 = 40, 5 × 20 = 240 डेज बी को लगेंगे काम पूरा करने में। फिर इसको सिंप्लीफाई करना हो कि सिंप्लीफाई 225 का हो जाएगा, अंडर रूट जब निकलेगा 15, 15 को जब 154 में जोड़ेंगे तो 169, 169 का हो जाएगा 13, 13 को इसमें जोड़ेंगे तो 121, 121 में 25, 121 का 11, 11 में जोड़ेंगे 25 तो 36, 36 का हो जाएगा 6, 6 में जोड़ेंगे 10 तो हो जाएगा 16, 16 का हो जाएगा 4, 4/4 में इसको सिंप्लीफाई करते हैं 19:1/4, 76 76 + 77, 77/4 × 4² तो 4 का 4 7 28, 30, 324 हो जाएगा, 324 से बाहर जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 2/9, 11 का हो जाएगा 3। फिर आएगा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा, 2 पैसा, ₹2, ₹5 इज 5 4 3 1, टोटल अमाउंट, ओके नंबर ऑफ कॉइन दे रखा है ना 50, तो हम लोग पहले 25 पैसे को सब में उसी में लेंगे रुपीस में, तो समझ लेते हैं 25 पैसे कितना हो जाएगा, 0.25 रुपीस, ये 0.5, ये 2, ये 5, कितना रेशियो दे रखा है 5 4 3 1, तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे हम लोग, 5 से करेंगे
1.25 2 6 5 6 5 6 5 11 11 और 2 13 13 क्या 14.25। इट मीन 14.25 की वैल्यू दे रखी है ₹285। तो ₹285 को जब डिवाइड कर देंगे हम लोग 14.25 को क्या लिख सकते हैं 14:1/4 57/4 57 से कट जाएगा 5 times 5 = 20 तो एक की वैल्यू जाएगी 20। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ 25 पैसा एंड 5 कॉइन 4 4 20 80 12 का फर्स्ट आ जाएगा आंसर। फिर आया 4x² + y² = 40 xy = 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + y। तो ये सिंपल हमें दे रखा है 2x + y² 4x² + y² + 2 2 = 4xy। तो 2x + y का पूछा है हमसे वैल्यू। 4x² + 4² कितना है 40 + 4 6 = 24 ये आ गया 64 जो अंडर रूट आंसर आ जाएगा 8। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम टू पैरेलल साइड के डिफरेंस से 12 सेंटीमीटर ओके 12 है तो मतलब कि दिस इज 6 अराउंड देखा जाएगा तो ये ओके दिस विल बी अराउंड 6 एंड दिस विल बी ऑल्सो अराउंड 6। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दूस पहले से ये हो गया 60 ओके 60। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1380 फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हमें दे रखा है कि 1380 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन भी दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है 1380 = 1/2 इंटू लेंथ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना जो जाएगा 30 30 डिवाइड करेंगे 3 4 1 दिस इज 46 मतलब कि दोनों का सम कितना आएगा 46 आएगा 46 दोनों का किन दो में सम हो रहा है 46 ये हो रहा है 14 के थर्ड में नहीं 46 फर्स्ट में भी हो रहा है तो फर्स्ट और थर्ड में जो कोई आंसर है तो दो का सम कितना है 46 है दोनों का सम डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड 12 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया 46 सेंटीमीटर हो गया दोनों का सम 46 सेंटीमीटर आ रहा है तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ 46 46 बाद में देखेंगे स्किप करना है अभी। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 126 pi cm कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 126 मतलब कि 2 πr × h = 126 π पाई से पाई कट गया ये हो गया 63 तो r पता नहीं अपने को h कितना दिया है 14 तो ये आ जाएगी 63/14 7 × 9/2 9 व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वॉल्यूम आ जाएगी अपनी पाई आर स्क्वायर आर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81/4 एच हो जाएगा 14 2 7 56/2 5 तो देखते हैं कितने आ रहा है ये आंसर निकल रहा है 283/1/2 π 15 का सेकंड बन रहा है। फॉर अ सैंपल डाटा फाइंड द मोड मोड होता है ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा याद नहीं आ रहा अभी। व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 120 कॉस 120 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जाती है नेगेटिव तो नेगेटिव एक ही ऑप्शन है तो -0.5। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सलोनी इन 4 पेपर इज 51 एंड इन द 5th पेपर शी गेट्स 56 मार्क्स फाइंड हर एवरेज इन ऑल पेपर तो ये हो जाएगा 52 डेविएशन से तो पहले 51 थे 51 के बाद 56 आ गया मतलब प्लस 5 का इंक्रीमेंट टोटल 5 में इंक्रीमेंट कर दो 52 हो जाएगा इसका आंसर 18 का फर्स्ट। द नंबर 1254 21 से डिविजिबल बाय
एट का डिजिट टू लगाएं, लास्ट के थ्री डिजिट से होता है तो एट आंसर होगा। और इलेवन का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 + 5 = 6, 6 + 2 = 8, 8 और 6 = 14, 4 2 6 = 1, 7, 14 में 7 के साथ नहीं, 8 होगा, लास्ट के थ्री डिजिट 8 से डिविजिबल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट इज 3/7, 5/9, 1/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। ओके, पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नहीं होने की, ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, सी क्या होगी, 1 में से माइनस कर दो 3/7, 4/7, फिर बी से सॉल्व होने की क्या नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, जो नहीं कर पाएगा 4/9, 1 से माइनस करके, फिर सी की 2/3। तो अब ये तीनों के तीनों नहीं कर पाएंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ए बी सी तीनों नहीं कर पाएंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4/7 इंटू 4/9 इंटू 2/3, 4 4 = 16, 16 2 = 32, 7 9 = 63, 63 3 = 3, 3 3 = 9, 3 6 = 18। वेर आर माई रॉन्ग, 4/7, 4/9, 2/3, 4 4 = 16, 16 2 = 32, 7 9 = 63, 3 3 = 9, 3 6 = 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ 3 प्रॉब्लम 4/7, 4/9, 2/3, 63। ओके, अभी नहीं हो रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इन 5 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड इन 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल 5 है, 5 साल में रेट कितनी लग रही है, आर मान लेते हैं अपॉन में 100, आर से कितनी हो जाएगी 25 × 4 = 8% रेट हो जाएगी। 6 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 7:5। ओके, 7:5 था 6 साल पहले, एंड फ्रॉम नाउ इतना था, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ रेशियो ऑफ द 11:9। ओके, तो मतलब कि टोटल 6 और 4 10 साल बाद प्लस 10 ईयर्स, 7 9 = 63, 63 और 55 8, 8 यूनिट इज इक्वल्स टू 20, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी, 4 से कटेंगे, 4 5 = 2, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई 5/2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एट प्रेजेंट, ओके तो अभी इनकी करंट एज कितनी हो जाएगी, ए की पूछिए प्रेजेंट, तो अभी कितनी है इंटू 7, 7 5 = 35/2, मतलब 17.5 ईयर एज है ए की 6 साल पहले, तो अभी प्रेजेंट की पूछिए तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट में 23.5 ईयर्स एज। रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर बाई साइकिल, 18 बाई दिस, अनदर 6 एट 2 ऑन फुट, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 45 + 80 + 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 125 + 6, 131। तो मैंने अपन टोटल टाइम देखना है, 15 के हिसाब से 3 घंटे + 2 + 3, 3 3 6 और 2 8, 8 1 = 8, 5 8 6 = 48, 3 0 8 3 = 24, 16.38 कुछ आया रहा आंसर। 80 लीटर्स ऑफ मिल्क है 60% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक मिल्क 80% इन द सॉल्यूशन। ओके, 80 लीटर्स का मिल्क है अभी, उसमें कितना है 60% मिल्क है, ओके कितना, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 80%, तो जो मिल्क ऐड होगा वो 100% होगा, और बनाना कितना है 80%, तो यह आएगा 20:21:1, तो मिल्क कितना ऐड होगा, मिल्क ऐड होगा 80 लीटर, 1:1 आया तो 80 लीटर है, 80 लीटर हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर,
टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्ट्रेट पोल टॉप ऑफ ओके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ये हो गया यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्ट्रेट पोल अच्छा स्ट्रेट पोल है 24√3 इज 60 डिग्री इफ द बेस ऑफ द पिलर वाज एट 60 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर अभी इसको स्किप इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई इज 15 फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 36x² - ओके 36x ये कहीं ना कहीं टूट रहा है तो 36x² - 81y² टूट जाएगा 6x - 9y में एंड 18x² का क्या होगा ये हो सकता है इसको 9 कॉमन ले लें हम लोग तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x² - y² अब यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी अगर 3 कॉमन ले लें हम लोग कितना हो जाएगा 2x + 3 2x - 3 / 9 2x² - y² तो 9 3 = 27 तो जो भी आएगा वो 27 का मल्टीपल होगा 27 का मल्टीपल होगा तो एक ही ऑप्शन है 135 26 का ए व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ओके ये यहाँ पे इंस्क्राइब्ड किया गया है देख रेडियस कितना दिया है 5 5 तो ये बीच में 90 डिग्री है देन इट विल बिकम 5√2 को 4 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 20√2 तो 27 का हो जाएगा ए फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इसको बहुत आराम से करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन का है तो पहले 3 - -6 है पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं अंदर -9 3 = 12 12 + 2 = 14 माइनस का 14 ओके देन डिवाइड 7 -2 × -1 = 2 7 और 2 = 9 2 + 1 = 3 कितना हो जाएगा 3 = 21 डिवाइड बाय करेंगे 7 7 से कटेगा 3 बार ये बहुत इसको आराम से टाइम देना पड़ेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम विल बी द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन 18x - 72y + 13 = 0 देन 7x - my - 17 = 0 तो अगर नो सॉल्यूशन कभी भी चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन 18 4 = 72 7 4 = m की वैल्यू होगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन 18 / 7 = 72 / m m की होगी 28 नो सॉल्यूशन के लिए दिस अपॉन दिस a1 / a2 18 / 7 = 72 / m m = 18 × 7 = 28 नो सॉल्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का सम मतलब इंटीरियर एंगल फॉर्मूला कहता है 9 - n - 2 × 180 = 2700 15 तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई 17 नंबर ऑफ डायगनल का फॉर्मूला होता है n - 3/2 तो 17 × 14/2 = 7 119 30 का सेकंड
ठीक है, सेकंड हो गया, चलो ये भी हो गया, टाइम। सेलेक्ट द फिगर डेट कैन रिप्लेस, ओके, बीच में गोला आएगा, सब में बीच में है, फर्स्ट सेकंड, तो सब में गोला आएगा, फर्स्ट में आएगा और दो लाइन बनेगी, ये नहीं है, दिस कैन बी, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कुछ है, ऊपर कैसा बन रहा है, लाइंस बन रही डायरेक्ट, तो दिस विल बी थर्ड आंसर होगा। फिगर ए इज रिलेटेड टू बी, सी इज रिलेटेड टू डी, स्टडी द पैटर्न, रोटेट करा है, सिंपल। इसको रोटेट करो राइट साइड में, इधर ये ऊपर जाएगा, नीचे वाले चेंज हो गए, बस बाकी तो वही रहे हैं, ये लेफ्ट में रोटेट हुई है, इसको भी लेफ्ट में रोटेट कर, तो ये आएगा, इसके होने के चांस है, अब इसको देख, ये भी लेफ्ट में हुई है, इसको लेफ्ट में कर दे, तो ये ही है, बस 32 का क्या हो रहा है, बी। फिर आया यहाँ पे डी एट द रेट एन, डी एट द रेट, एट द रेट का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज डॉटर ऑफ एन, डी इज डॉटर ऑफ एन, एन इज डॉटर ऑफ एच, एन इज डॉटर ऑफ एच, एच एंड वाई, एंड का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, एच इज हस्बैंड ऑफ वाई, एच इज हस्बैंड ऑफ वाई, वाई इज डॉटर ऑफ एफ, वाई इज डॉटर ऑफ एफ, एफ इज वाइफ ऑफ बी, एफ इज वाइफ ऑफ बी, हाउ इज वाई रिलेटेड टू डी, वाई इज रिलेटेड टू डी ग्रैंड मदर, मदर्स मदर, मदर्स मदर, 33 का डी। फिर आया यहाँ पे अगला, ए बी सी डी एफ इज एग्जाम ऑन डिफरेंट सिटी फ्रॉम डिफरेंट मंडे, टोटल 6 है, मंडे एंड एंडिंग ऑन द संडे, ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन दिस, ओनली वन पर्सन टू एफ एंड बी, ओके, सिंपल लग रहा है, बहुत रीजनिंग। ईच हैज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 7 जने। ए हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे, ए, ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन ए एंड बी, ओनली वन पर्सन है, इट मीन दो कंडीशन, ए एंड बी के बीच में दो है ना, तो बी यहाँ पे हो सकता है, ए एंड बी पूछा, यहाँ पे भी हो सकता है, ओनली वन पर्सन है एग्जाम बिटवीन ए एंड बी। डी हैज एन एग्जाम ऑन दी इमीडिएटली बिफोर बी, डी यहाँ पर है, ये कंडीशन नहीं जाएगी, डी यहाँ पर है, ओनली वन पर्सन है एग्जाम बिटवीन एफ एंड बी, एफ एंड बी के बीच में ओनली वन पर्सन का एग्जाम, बिफोर ए बट आफ्टर सी, जी आफ्टर सी, ऑन विच डे जी हैज एन एग्जाम, जी का आ रहा है ट्यूसडे, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 5 के हिसाब से आएगा, 6 आएंगे टोटल, 3, 4, 5, 6, ओके, और डंडे ही आएंगे 6, तो बस 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें, दो फिर आए यहाँ, इसको तोड़ना है, 8, 1, 46, 9, 4, 22, इसमें लॉजिक, 8, 5 is 40 plus 6, नहीं नहीं 8 का स्क्वायर 64 minus 1 का स्क्वायर, नहीं 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 9 इंटू 2,
64 माइनस 18 46, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 13 इंटू 2 नहीं, 8 का स्क्वायर माइनस 10 नहीं होगा, के एन एफ क्यू सी एफ, दे आर फोर फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन दो नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर अहेड ऑफ वन पर्सन स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ए एंड बी आर अहेड ऑफ एटलीस्ट वन पर्सन, बी स्टैंड बिटवीन सी एंड डी, डी डज नॉट स्टैंड लास्ट, बी स्टैंड बिटवीन सी एंड डी, ओके डी डज नॉट स्टैंड लास्ट, तो डी यहाँ पर चला जाएगा, डी डज नॉट स्टैंड लास्ट देन ए शुड बी हेयर, पर ये कंडीशन गलत है, ए एंड बी आर एट लीस्ट अहेड ऑफ वन पर्सन, ए को मैं यहाँ नहीं सकता, ए यहाँ जाएगा सिंपल, हु स्टैंड्स फर्स्ट, हु स्टैंड्स फर्स्ट ए, 38 का 4, जेड छोटा है ओके, जेड की ए से इक्वेशन बतानी है ओके, जेड से एक तक जाना है मेरे को, तो ये आया इज इक्वल्स टू एंड दिस आया, तो देन कंक्लूजन के टाइम उसने दे दिया कि जेड, तो ये कंक्लूजन बन रहा, पर नहीं पहला कंक्लूजन इज रॉन्ग, सेकंड जी इज स्मॉलर देन एफ, ओके जी इज स्मॉलर देन एफ, एफ इज दिस इज इक्वल्स टू जी, इट मीन्स एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एंड इट इज ऑल्सो रॉन्ग, नीदर वन कोई भी सही नहीं, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है, 39 का फर्स्ट, 70 डिवाइड मीन्स माइनस, 77 माइनस 7, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स डिवाइड, 7 119 प्लस 70 189, एनालॉजी बाद में दिस हमें स्टेटमेंट के बाद में, 48 75 108 डैश 192 27 33 गैप, यहाँ नहीं पता यहाँ 6 का है, 39 का गैप जोड़े तो कितना बनता है, यहाँ पे 39 जोड़ने पे 142 देन 39 और 17 147 बन रहा है, 147 और इसमें गैप कितना आ रहा है, 45 सेटिस्फाई कर रहा है 147। अब ये लेटर सीरीज है ना, एफ आई आर स्पेलिंग होगी, एफ आई आर एफ आई आर एफ आई आर, फायर्ड फायर्ड बन रहा है इसमें, फायर लेटर का बार बार लिखा गया, एफ आई आर पहला लेटर आएगा ई, फायर्ड एफ आई आर अगेन एफ फायर्ड, फिर टी आ गया, नहीं 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 ऐसे नहीं बनेगा, एफ आई आर डैश डी एफ डैश डैश ई डी एफ डैश टी डी एफ आई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, 5 5 के 4 कर दे, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ओके, फायर सब में आ रहा, पहला लेटर तो ई आएगा ओके, देन अगेन आई टी आ रहा है यहाँ पे ओके, ई आई दो आ गए, ई आई फिर आ रहा है पी क्यू आर एस टी यू, ई आई एस आई ई आई एस आई ई यू डी,
मिरर इमेज इसकी बतानी है, मिरर इमेज इसकी बनेगी इधर की साइड, तो पहले आएगा डी, डी को उल्टा नहीं कर सकते, ये होगा 46 का 3, ये बाद में करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। एल गिवन इन द टेबल कोड ऑफ सीरीज फाइंड द लेटर दैट कैन बी अरेंज पेंसिल एल पी ई एन सेल पेंसिल 2 4 2 4 6 3 5 1 2 4 6 3 5 1 डेटा सभी दो बाहर है, ऑड फिगर दो बाहर दो अंदर एक अंदर एक अंदर एक, दो अनकलर्ड है दो अनकलर्ड है, दो कलर्ड टू कलर्ड्स टू अनकलर्ड्स। फोर नंबर कैसे आ रही 1 6 7 18 15 34 18 42 1 + 2 3 3 2 6 7 + 2 9 9 2 18 15 + 2 17 2 34 18 + 2 20, ये ऑड वन पेयर है, ये बाद में लास्ट पेपर फोल्ड हुआ, पेपर खुलेगा पहले। ओके दिस वन ऑप्शन एलिमिनेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ व्हेन दिस विल बी ओपन लाइक दिस, नीचे की साइड होगा ये, और होगा गोले के इस साइड, तो फोर्थ ऑप्शन तो गया, गोला पास में ये नहीं होगा। ओके इन सब में सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ है, ये हो गया। अब जब ये ऐसे खुलेगा तो ये तीसरा भी नहीं होगा, दिस विल बी अपर साइड, ऊपर हो गया, इनमें से कुछ है, ये खुलेगा तो इस तरह खुलेगा, फर्स्ट 53 का 1। इन डेट लैंग्वेज कोड लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज 112, जम्मू इज 882, जम्मू इज 82, जम्मू 10 1 13 13 21, 10 11 11 और 24 24 37 37 और 21 58, 26 26 में 47 1 48 हो गया, 3 4 5 27 5 135, 15 में 8 गया 7 12 में गया 7, 77 + 5 रिवर्स करके प्लस ऐड कर रहे हैं, ठीक है मद्रास में लगाते हैं, मद्रास M 13 1 4 18 1 19, 13 1 14 4 18 18 6 18 36 1 37 37 में 19 जोड़ेंगे 56, 3 3 6 27 6 12 में 6 गया 6 106 106 प्लस 6, नंबर ऑफ लेटर ऐड करने रिवर्स करके पंजाब का करते हैं, पंजाब आता है P 16 ST U 16 21 14 10 और 1 और 2 3, 6 7 7 6 11 11 और 3 14 3 2 और 2 4 5 6, 64 64 का 10 3 13 1 14 1 51 2 2 4 5 6, 64 का 3 3 6 इतना है 162 62 में 64 माइनस कर दें 98 98 के अंदर 6 जोड़ दें 104, 54 का हो जाएगा A, 264 में क्या अरेंज करें, पहले डिवाइड को हमें चेक करना, ऑलवेज चेक विद डिवाइड, डिवाइड से चेक करेंगे हम लोग, पहले फर्स्ट ऑप्शन यहाँ डिवाइड पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 से कटेगा 2 1 3 4 प्लस 5 माइनस 14,
नहीं होगा सेटिस्फाई, डिवाइड चेक कर, लास्ट में चेक कर पॉइंट्स में। पहला 4 6 24 2 7 -40 + 14 27 + 40 41 तो ऑप्शन शुड बी थर्ड, 55 का हो गया सी। प्लम्बेज क्रश, ओके क्रश, सी आर यू एस एच, 3 18 21 19 8 क्रश। जे यू डब्ल्यू टी ई, 10 21 23 20 5 3 + 2 5 क्रॉस में बन रहा है, +2 5 +2 +2 +2 +2 क्रॉस में हो रहा है। पी क्यू आर एल एम एन यू वी डब्ल्यू, टी का डब एल से करो, एल एम एन एन ए बी सी बी सी डी आई जे के आर एस टी यू वी एन सी डी के टी वी। ऑल फोन्स आर लैपटॉप, ऑल पेन ड्राइव्स आर फोन, ऑल पेन ड्राइव्स आर पेन, ओके। तो देन ऑल पेन्स आर फोन, ऑल पेन्स आर फोन, पेन को फोन से कनेक्ट करना है। नो पहला नहीं है भाई, ये बहुत सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज एम्बेडेड, दिस इज एम्बेडेड इन ऑप्शन नंबर 4। एस परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है एस इज वाइफ ऑफ डी, एस इज वाइफ ऑफ डी। हैशटैग का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ एफ, डी इज ब्रदर ऑफ एफ। एट द रेट का मतलब एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, जी इज हस्बैंड ऑफ बी, जी इज हस्बैंड ऑफ एच, जी इज हस्बैंड ऑफ एच, एच एट द रेट जे, एच इज डॉटर ऑफ जे, एच इज डॉटर ऑफ जे। हाउ इज एच इज डॉटर ऑफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, एफ रिलेटेड टू जे। एफ जे से किस प्रकार संबंधित है, ओके डॉटर्स डॉटर, 59 का 3। आउट ऑफ द 4 आर अलाइक इन सम मैनर, 1 डिफर्स, ओके 1 विच वन इज डिफरिंग। गोला एंड हैशटैग अपोजिट में, गोला हैशटैग, गोला हैशटैग, गोला हैशटैग, थर्ड वन इज डिफरिंग। ये हो गया, अब यहाँ पे अब कौन कौन सेक्शन बाकी है अपने, अब वापस से रिव्यू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं ये वाले क्या कहते हैं, रीजनिंग के आर्ट 8 का स्क्वायर, 8 में 1 गया 7, 7 का स्क्वायर -3, 9 में 4 गया 5, 5 का स्क्वायर -3, 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर -3, 4 में 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, 8 में 5 गया 3, 3 का स्क्वायर नहीं, 7 में 1 गया ये, 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 3। ये बढ़िया क्वेश्चन। के एन एफ, के K means 11, 14, 6. Q means 17, 3. And V is 22. Okay, मुझे चेक करना है किस में सेटिस्फाइड कर रहा है। I 9 16 4 और क्या है यहाँ पे O 15 5 20 अगला क्या है 8 17 3
14, 6, 19, 13, 12, 8, 15, 5, 20, 8, 16, 4, 14, 6, 19, 6 जोड़ना है, 9, 6, 15 जोड़ रहा है, 8, 6, तो ये तो नहीं होगा, नहीं रुको रुको ये कैसे, 6 जोड़ रहा है, अगले में देख, 14, 3, 11, 17, 28 है, 15 और 9, 24, 18, 22, ये हो गया, चलो 28, 14 और 3, 27, 12 और 5, 27, 22 और 6, 28, 20, 28, अपोजिट में सम बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3, 37 का 3, 37 का 3, फिर आया यहाँ पे 51, चिकन्स, बैट्स, सील्स, रोडेंट्स, चिकन्स डिफरेंट, ओके, इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट कंट्री के हैज़ इनफ पोर्टर्स टू कंटिन्यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द इंटरनेशनल मार्केट, लोकल डिमांड फॉर पोर्ट्री इन कंट्री के सब्सटेंशली डिक्रीज लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट अमंग पोर्टर्स, कंक्लूड पहले ऊपर, सिंस द पास 15 ईयर्स 75% ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड पोल्ट्री मार्केट कम्स फ्रॉम कंट्री के, 75% उत्पाद कंट्री के से आता है, हाउएवर द एम्प्लॉयमेंट इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री कंट्री के हैज बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग बाय 5 to 9% एवरी ईयर सिंस पास 3 ईयर, ओके, इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग कंट्री के हैज इनफ पोर्टर्स, सही बात है पहला, इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, ओके, फर्स्ट वन इज करेक्ट, द लोकल डिमांड इन कंट्री के लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट, नहीं 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 ये सेकंड का कुछ इशू ही नहीं है, 42 का ओनली वन कैन बी कंक्लूडेड, लास्ट फाइव, ओके, वन ऑफ द स्टेटमेंट में भी अफेक्टेड, रीड बोथ स्टेटमेंट्स, कौन किसका कॉज एंड इफेक्ट है, सिंस द पास्ट 3 ईयर स्टेट एम हैज रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन स्टेट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके, इन द लास्ट 5 ईयर देयर हैज बीन ओवरऑल और इंक्रीज इन द ओवरऑल रेनफॉल, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो क्लियर कट दिख रहा है कि एक मिनट एग्रीकल्चर कम हो रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो कोई लिंक ही नहीं है, तो फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज द इफेक्ट, नहीं पहला गलत, फर्स्ट और तीसरा तो नहीं होगा, अब दोनों कॉजेज हैं या इफेक्ट हैं, सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द स्टेट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द ओवरऑल रेनफॉल डिस्पाइट, इफेक्ट्स है, 43 का 4, अब क्या था यहाँ पे 47, अ स्टेटमेंट, मैनी स्टूडेंट एडिक्टेड टू मोबाइल फोन एंड दिस लेड्स टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ओके, इंटरफेरेंस क्या क्या है, मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज ड्यू टू मोबाइल गेम, इट इज़ ओनली बिकॉज, ओनली नहीं हो सकता, सेकेंड स्टेटमेंट तो कभी फॉलो नहीं होगा, ओनली वन फॉलो, सिंपल सा है, तो फिर क्या है यहाँ पे 49, हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन द रो वेयर ऑल फेसिंग नॉर्थ, ये डेटा सफिशेंसी का है ना, पहले ये करते हैं, ऑल फोन्स आर लैपटॉप्स, ओके, ऑल फोन्स आर लैपटॉप, ऑल पेन ड्राइव्स आर फोन, ऑल पेन ड्राइव्स आर पेन, ये क्या 150 रूल लगा ले, सिंपल 150 रूल लगाएंगे तो बस, पहला देखते हैं, ऑल पेन्स आर फोन, 50-50 ऑल नहीं होगा, सम पेन्स, ये गलत हो गया, ऑल लैपटॉप्स आर पेन,
ऑल लैपटॉप्स आर पेन, इट इज सम लैपटॉप होगा, ऑल पेन ड्राइव्स आर लैपटॉप, हाँ ऑल पेन ड्राइव्स लैपटॉप, ओनली थर्ड फॉलोज 150 रूल। फिफ्टी का अलग क्या है, इसमें चार है, तीन चार पाँच, तीन तीन है, दो बाहर है, दो गोले अंदर। अच्छा इसके अंदर फिफ्टी का, अच्छा फिफ्टी का देख सब में एक ही गोला अंदर है और दो दो बाहर है, पर ये सेकंड वाले फिगर के अंदर दो गोले अंदर है, बस देन दिस विल बी द आंसर। 52 क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू वी स्टैंडिंग इन ऑल फोसिंग इन द नॉर्थ, ओके हू स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सात के साथ खड़े, यू स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ओके सात सात खड़े ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यू स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड यू एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओके क्यू स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर टी। 52 का तो स्टेटमेंट सफिशेंट ही नहीं है निकालने के लिए, टी और क्यू कोई रिलेशन नहीं दे रखा, लास्ट रीजनिंग का ये लास्ट है ना। हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन द रो वेयर ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, ओके एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ओके आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ओके आर यहाँ पर आ गया। एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, एम इज फोर्थ राइट एंड, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एम एंड बी, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एम एंड बी, only two people sit between M and B, only two people sit between M and B, A is fourth from the left end, A is fourth from the left end, एक दो तीन यहाँ पे A आ गया, M is second to the right of A, M is second to the right of A and R is second from the left end, M is fourth from the right end, एक दो तीन okay, R is second from the left end, left end, M is fourth from the right end, clear, sufficient answer देने के लिए। यहाँ पे कैसे होगा ये, तीन माइनस टू, टू प्लस वन एक थ्री हो जाएगा, प्लस सिक्स दो चौदह, चौदह को डिवाइड कर दें माइनस का दो, मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस सिक्स है, नौ तीन बारह चौदह, माइनस का फोर्टीन, सेवन मल्टीप्लाई बाय दो प्लस एक तीन, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, दो दो तीन इक्कीस तो होगा नहीं, पहले डिवाइड होगा, पाँच का सक्सेसिव निकालते हैं तो कितना होता है, 20% से वो ज़्यादा आएगा, इसका 20% कितना होगा, एक बटे तेरह सौ में जोड़ 6500, 7800 से ज़्यादा आ रहा है,
तो बस 7900 आंसर। पिरामिड एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस वन ऑफ इट्स साइड्स इज 8 सेंटीमीटर हाइट इज दिस स्लैंट एज 24 सेंटीमीटर होल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। पहले बेस का एरिया निकालो हाइट का स्क्वायर 64 से करेंगे 16 रूट थ्री से होगा आएगा पहला बेस एरिया प्लस एरिया वो कैसे हो जाता है पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा 8 तिया 24 मल्टीप्लाई में हाइट क्या होता है वो 16√3 आ जाएगा 16√3 हाइट दी अपने को स्लैंट एज चाहिए स्लैंट एज ये 8 है ये 24 है 1 3 का हो जाएगा 3 1 3 उसका 9 1 + 10 10 8 और 24 है ना 1:3 का कितना हो सकता है यहाँ पे 16√3 से होगा 16√3 स्लैंट एज दे रखी है 24 बेस दे रखा है 8 ये दो दो बार लगेगा 10 के हिसाब से 8 यहाँ पे फिर अगला डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ये मेरा कितना आया था सम आया था मेरा 46 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सैंपल मीडियन थ्री मीडियन माइनस टू मीन थ्री मीडियन कितना हो जाएगा 144 माइनस 124 प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रिंट इज 3/7 5/9 पहले जाएगी 4/7 4/9 5/2/3 तो निकाल 3 सवाल बाकी है ना 9 3 12 तो 14 माइनस का 2 6 12 3 15 9 हो गया ना यहाँ पे कितना होगा 9 3 12 2 14 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्ट्रेट पोल एटी फोर रूट थ्री
दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं हुआ भी. सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच. आई वांट रीता नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे का मतलब है टुमारो. आई वांट रीता मॉर्निंग नहीं वांट टू. आई वांट रीता डू नॉट बी लेट टुमारो. देयर नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड. देयर नॉलेज क्या है नाउन की तरह काम करा तो देयर नॉलेज एक वो लगाना पड़ेगा पॉजिटिव. द कमिटी शुड कुड नॉट रीच अ कॉन्सेंस इवन आफ्टर अ 6 आवर लॉन्ग मीटिंग यस्टरडे. करेक्ट स्पेलिंग कॉशियस नहीं कंसेंसस होगा. कंसेंसस का मतलब क्या होता है एग्रीमेंट पे वो रीच नहीं कर पाए तो यहाँ पे क्या आएगा 63 का 4 हो सकता. यूजुअली एट क्रिसमस अंकल ऑफन ब्रिंग्स लवली एंड चेरिश्ड गिफ्ट्स फॉर अस. ऑफन का मतलब होता है लाते हैं जैसे यूजुअली क्रिसमस अंकल लेके आते हैं तो ऑफन का उल्टा नॉट चेरिश्ड नॉट लवली नॉट यूज नॉट सेल्डम. सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी तो यही होगा 64 का डी. ये वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM. वी रीच देयर वी से सेंटेंस चालू नहीं हो सकता तो ए का तो नहीं आएगा तो सेंटेंस शुड बी स्टार्ट फ्रॉम सी. ओके तो ऑप्शन बचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर हम लोग सेकंड और फोर्थ को एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट और थ्री. तो ऑप्शन हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे. यस्टरडे माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट ऑन अ शॉर्ट पिकनिक टू एन अम्यूजमेंट पार्क. ओके इवन दो वी हैड रीच ऑन टाइम देयर वॉज अ सरपेंटाइन क्यू फॉर द टिकट. आई टुक द एंट्रेंस टिकट. वी रीच देयर सी के बाद ए. सी के बाद ए सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड में 65 का तो भी थर्ड होगा. मेरी पूरा सेंटेंस देख सी ए. यस्टरडे माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट अ शॉर्ट पिकनिक. वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM. इवन दो वी हैड रीच ऑन टाइम कनेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा. सी के बाद ए आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करा हो गया. द मैनेजर डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज द बैंक वॉज डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बैंक करप्ट हो जाना दिवाला निकल जाना. तो इसका एंटोनिम इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा बैंक करप्ट भी नहीं होगा कमर्शियल नहीं होगा. इंसॉल्वेंट मतलब जिसका दिवाला निकल गया तो एफ्लुएंट हो सकता है जिस असमृद्ध समृद्ध. फिर बुलिंग इज अ रेदर एक्नॉलेज्ड सोशल इविल. अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है. अनएक्नॉलेज्ड अनएक्नॉलेज्ड का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड. एक्नॉलेज मतलब होता है नेम्ड उसको जानते हो तो पहला तो नहीं होगा नोटेबल भी नहीं. इनफेमस मतलब गलत कामों के लिए जो प्रसिद्ध हो तो अनआइडेंटिफाइड 67 का बी. सेलेक्ट दी वन वर्ड एट की वन हु इज़ अ बूट लिकर एंड अ फ्लैटरर. फ्लैटरर मतलब जो चापलूसी करता है तो मैनिपुलेटिव नहीं ग्रेगेरी जो झुंड में चलता है गोल्ड डिगर भी नहीं साइकोफेंथ सिकोफेंथ या साइकोफेंथ जो भी. सिकोफेंथ का मतलब होता है फ्लैटरर. हेल्पिंग पेरेंट्स. अब ऑप्शन से चलते पहले बी. दीज फिक्सेज वॉट दीज. दीज से कभी नहीं हो सकता फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेकेंड नहीं. सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा. द मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस फ्लोलेस सिस्टम इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर. दीज फिक्सेज इंपॉर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड केयर मोर अफोर्डेबल फॉर पेरेंट्स एंड ऑफर लाइफ रेफ्ट टू सेंटर्स. Helping parents become savior at picking care option and tossing retention bonuses to caregivers or others. But they do little to address the structural needs, improved quality for needs. See, this is a lot of time like this. It will take some time. A new gallery is being built inside the, isko convert karna hai, active mein, is being aa raha hai. Toh sentence present continuous mein hi hoga.
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर थर्ड सही नहीं हो सकता ना फोर्थ था, क्योंकि फोर्थ के अंदर पास्ट कंटिन्यूस लग गया, इसके अंदर वो फ्यूचर में चला गया तो नहीं होगा, और फर्स्ट भी नहीं होगा तो बचा सेकंड। दे आर बिल्डिंग अ न्यू गैलरी इन साइड दिस सिटी स्टेडियम, अ न्यू गैलरी इज बींग बिल्ट इन साइड द न्यू स्टेडियम। ओके सेकेंड, द फार्मर्स ग्रो मेज में मतलब मक्के, तो ना मेज की स्पेलिंग ही चेक करनी है बस, दिस इज नॉट दिस सेकेंड मतलब होता है वो भुलभुलैया मेज, MAIZE मेज। शी आस्क्ड आर यू मीटिंग माई पार्टनर्स नेक्स्ट वीक, शी आस्क्ड अबाउट हर मीटिंग्स नेक्स्ट वीक है, तो नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक बनेगा, नेक्स्ट वीक का क्या बनेगा फॉलोइंग वीक, तो उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो लास्ट वाला ही बचता है, फिर भी क्रॉस चेक करते हैं। शी मास्ट आर यू मीटिंग पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। शी आस्क इफ यू मीट हर पेरेंट, नो गलत। शी आस्क अबाउट आवर मीटिंग हर पेरेंट्स, नॉट। शी आस्क इफ़ वी वर मीटिंग हर पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, ये बिल्कुल सही, इन दोनों में से कुछ है, पर नेक्स्ट वीक चेंज हो जाता है फॉलोइंग वीक में, तो ये भी नहीं है, इसको एक साथ पूरा निपटाएंगे। सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ल्ड, ओके इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ल्ड है 75, एब्जेल एबोरेंट एब्सेस एसिड, तो इसके अंदर है असीड, असीड की ACC आता है, गिवम करना असीड ACCED, तो फर्स्ट वन इज राइट मतलब इनकरेक्ट वर्ड है पर आंसर इज दिस। रिया रैन एज फास्टली एज अ चीता एंड सेव द चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग, रीना रैन एज फास्ट एज अ चीता, फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में फास्ट का फास्ट रहता है, क्योंकि फास्टली कुछ भी नहीं होता जो प्रॉपर रूल है, तो सिंपल रिया रैन एज फास्ट एज अ चीता। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड डोर टू डोर, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड डोर टू डोर, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड टू हैंड, थ्रू हैंड नहीं बाय हैंड, ये क्या हुआ थ्रू नहीं, डोर टू डोर इज राइट, डोर टू डोर नहीं है सिंपल, डिलीवर्स द लेटर सही है, थ्रू हैंड। आई लव टू गो सिंपल, इसको अरेंज करते हैं, ओके इसको अरेंज करना है ना, द पहला और ए और फिक्स है, आई लव सो डैट, नो नो बी के साथ कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आई लव सो डैट, तो थर्ड ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। आई लव एवरी मॉर्निंग, ना ना, आई लव टू गो फॉर अ वॉक, ई से सेटिस्फाई हो रहा है, आई लव टू गो फॉर अ वॉक, आई लव टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग सो डैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट। आई सेड टू मोहन ही हैज़ अ ग्रीन बुक। आई टोल्ड मोहन डैट हैज़ का सिंपल, ही हैड अ ग्रीन बुक, हम लोग जाएंगे उसके अंदर, तो ही हैड अ ग्रीन बुक सिंपल, 79 का क्या जाएगा फिर ए, ही हैड कभी नहीं सकता, क्योंकि ये अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो जाके हैड लगता। आई टोल्ड मोहन ही हैव नॉट, नॉट एलिमिनेट करके सबसे बेस्ट। राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग, स्किल्ड ऑन कोडिंग, एक्सपीरियंस्ड ऑफ कोडिंग, राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन स्किल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑफ, राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग, 80 का जाएगा फर्स्ट। द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द रिजेंबल्स टू हर पेरेंट, तो सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, तो चिप ऑफ द एजेस नहीं, क्लोन जो सिमिलर दिखता है अपने माँ बाप से मिलता है, ये हो गया। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इट इज़ हॉर्टिकल्चर,
ये सिंपल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, हॉर्टिकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग हॉर्टिकल्चर. सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. ओके, गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ना, तो इट विल बी फ्यूचर डेफिनेट में जाएगा. डेफिनेट ओके, पहले वुड बी नो, दिस इज रॉन्ग, सेकेंड इज रॉन्ग. द पब्लिशर विल रिलीज अ न्यू बुक, इट शुड बी लाइक 83 का होगा. सी द पब्लिशर द पब्लिशर्स विल रिलीज अ न्यू बुक ऑन नेक्स्ट. द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज द वेडिंग. द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज द वेडिंग. द वेडिंग हैज बीन हैड बीन, मतलब द वेडिंग वाज ऑर्गेनाइज, द वेडिंग इज रॉन्ग, इज ऑर्गेनाइज भी नहीं आएगा. द वेडिंग वाज ऑर्गेनाइज बाय द पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, ये अभी नहीं कर सकते. मेंटली स्ट्रांग पीपल डू नॉट मेकअप टू सुसाइड, डू नॉट गिव इन टू सुसाइड, डू नॉट कंसीव इन, डू नॉट फॉल इन, डू नॉट मेकअप. अभी मार्क फॉर रिव्यू. द मूवी वॉज रिलीज लेटर देन एक्सपेक्टेड. द मूवी वॉज रिलीज मोस्ट लेटर, कुछ नहीं हो सकता, दो एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग. कंपेरिजन मोस्ट लेटर, मोर लेटर तो एलिमिनेट हो गया. द मूवी वॉज रिलीज लेटर देन एक्सपेक्टेड, टी एच ए आएगा, टी एच ई एन वाला नहीं आएगा. लेटर देन एक्सपेक्टेड, 87 का फर्स्ट. शी वॉज द थीप हु स्टील द पर्स इन द बस. हु स्टोल, शी वॉज, पास्ट में सेंटेंस है. द थीप हु स्टोल द पर्स इन द बस, स्टील का स्टोल आएगा ना. Who stole the purse? Okay, यहाँ पे बी. Achilles heel, मतलब vulnerable point, weakest point होता है. Costly item नहीं, irrelevant thing नहीं, vulnerable point. RK's Achilles heels. Then here come the phrase. Okay, the phrase non-governmental or non-profit is commonly used to refer to the various organizations. Dash dash civil society. In general, such organizations are distinguished by the dash that they operate for reasons other than financial gain. Surveys indicate that NGOs have a high degree of public dash, which can make them a useful proxy for the concerns of society and stakeholders. NGOs range from small pressure groups on specific environmental concerns or human rights dash to educational charities, women, refugees, cultural. Go start karte hain. Pehla, the phrase non-governmental or non-profit is commonly used to refer to the various organizations that comprise civil societies. डेट कम्प्राइज सिविल सोसाइटी. 90 का डी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से प्लूरल है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल, प्लूरल वर्ब होगी उसमें एस नहीं लगेगा, इट शुड बी कम्प्राइज. एंड सेकेंड, इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय दी वैल्यू डेट दे ऑपरेट बाय द फैक्ट that they operate for reasons other than financial gain. By clue नहीं आएगा इसमें, फर्स्ट सेकेंड ना थ्री आएगा ना फोर्थ आएगा, तो वैल्यू और फैक्ट में से कुछ आएगा अभी. और रिव्यू, surveys indicate that NGOs have a high degree of public trust, public idea, public belief, public thought, public trust. They have a high degree of public trust, which can make them a useful proxy for the concern of society and stakeholders. NGOs
रेंज फ्रॉम स्मॉल प्रेशर ग्रुप्स, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस. NGOs range from small pressure groups on specific environmental concern or human rights violation. Okay, now this is paragraph. Okay. Wetlands are amongst the most productive ecosystems on the earth. Provide many important services to human society. They exhibit enormous diversity according to their genesis, geographic location, water regime and chemistry. Globally, the areal extent of wetland ecosystem ranges from 917 million hectares to more than 1275 million hectares. One of the first widely used wetland classifications system divided by Coward in 1979 characterized the wetlands into marine, estuarine, lacustrine, riverine and palustrine. Okay, based on the hydrological, ecological and geological characteristics. Ramsar Convention on Wetlands was an international treaty signed in 1971. Overall 1052 yahan par hai itni. As per Ramsar Convention definition, most of the natural water bodies and man-made waterlands in India constitute the wetland ecosystem. As per the estimate, India has about 757,000 wetlands. Gujarat has the highest portion, Mizoram has the lowest portion. Among UTs, Lakshadweep has the highest portion, Chandigarh has the least portion. Okay. Which of the following cannot be answered after reading? How many wetland Ramsar sites? First, second, third. Why are wetland? Classification बताया है इसके अंदर, area covered भी बताया गया है, पर wetland की importance के अंदर नहीं बताई है. So it can be ये answer होगा, it cannot be answer. In what kind of wetlands occupy the largest area? What kind of wetland? Categorize this into. India has about accounting for 4 points upon this area. In wetlands account for 69%. Under which category delta and mangrove comes under? Delta मैंग्रोव्स के अंदर नेचुरल वाटर बॉडीज है, पर अच्छा ये लैक्यूस्ट्राइन वाला पूछ रहा है ना इसके अंदर. डेल्टा एंड मैंग्रोव का अंदर एस्चुरिन के अंदर आते हैं डेल्टा एंड मैंग्रोव. अच्छा साइट को मैजिक करना है. ओके, 1052 साइट्स है यूरोप में, तो देन ए बी सी डी. यूरोप में बी का फर्स्ट हो जाएगा. देन एशिया में 289, डी का 3 1313 हो जाएगा. चलो एशिया में 289, अफ्रीका में है 359, सी का 4 143, देन शुड बी द ए आंसर 97 का ए. फिर से पैसेज पढ़ना, कितने पैसेज हैं टोटल. ओके, आइंस्टीन वाला पैसेज है, द एज ऑफ साइंस. इसरो वाले पे कितने हैं यहाँ पर. ओके, द इसरो अनाउंस्ड अनदर सक्सेसफुल मिशन. इसरो अनाउंस अनदर सक्सेसफुल मिशन. इसरो चेयरमैन सोमनाथ सेड दैट 3 स्मॉल सैटेलाइट्स सक्सेसफुली सेपरेटेड बाई इंजेक्टेड इन टू ऑर्बिट. इसरो हैज लॉन्च 3 स्मॉल सैटेलाइट्स पावर बाई SSLV-D2 लॉन्च व्हीकल फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर. द लॉन्च व्हीकल वॉज कैरिंग EOS आजादी सेट 2. क्या क्या कैरी कर रहा था? EOS जेनस आजादी सेट 2
एंड एम टू इंजेक्ट देम एंड एम टू इंजेक्ट देम टू अ 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट. द लॉन्च टुक प्लेस एट द फर्स्ट लॉन्च पैड. द SSLV D2 हैड टू टेक अ 15 मिनट्स फ्लाइट टू इंजेक्ट EOS. ज़ेनस आज़ादी सेट टू 450 किलोमीटर. It is configured with three solid propulsion stages and a velocity terminal module. It is a 34 meter tall, 2 meter diameter vehicle having a lift of 120 ton. The EOS-07 satellite weighs 156 kg and it is made by ISRO. About 13 minutes into its flight, the SSLV rocket ejected EOS-07. And soon after that, the other two satellites, Janus 1, were ejected. Okay. With the new rocket in its portfolio, ISRO will have three rockets, polar satellite launch vehicle and its various variants. Geosynchronous launch vehicle, 72 crore, SSLV. New experiment include MM low orbit. इज़ अ मैगजीन आर्टिकल नहीं है, एडिटोरियल भी नहीं है, इट इज़ अ न्यूज़ आइटम है ये एक. वट इज़ द पैसेज मेनली अबाउट? पैसेज इज मेनली अबाउट द लॉन्च ऑफ थ्री स्मॉल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट बाई इसरो. ओके, इनका वेट से लिंक करना है. ए बी सी यहाँ पे EOS हो गया ना. यहाँ EOS वेज 156.3, EOS 156, ए का हो गया 2. आज़ादी सेट ज़ेनस वेज 10.2 kg. ज़ेनस 10.2, सी का फर्स्ट, देन 3, 2, 3, 1, देन 104 का हो जाएगा 3. विच सैटेलाइट वर इंजेक्टेड इनटू फर्स्ट? E07. ES07. 105. पुष्यमित्र हु वाज़ द कमांडर ऑफ लास्ट मौर्यन एम्पायर बृहद्रथ किल्ड द किंग. विच ऑफ द पुष्यमित्र सुंगा? तो पुष्यमित्र ने शायद लास्ट मौर्यन किंग को मार के अपनी शुंगा डायनेस्टी बनाई थी. ये ब्राह्मण था, शुंगा डायनेस्टी. ये हरियाणा टीम मैच करना है. ओके, ये अभी पहले एक बार गोथ्रू कर. हाइड्रोजन मैचेस द प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ओके, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप की प्रॉपर्टीज को मैच करता है? हाइड्रोजन मैच करता है ग्रुप वन में, तो हाइड्रोजन होता ही, तो हाइड्रोजन ग्रुप वन एंड ग्रुप 17. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो ग्रुप वन एंड 17. इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च द डैश पोर्टल टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड. ये कोविड में लॉन्च हुआ था. ई रोजगार नहीं, ई ज्ञान नहीं, ई उमंग, ई श्रम पोर्टल. ई श्रम पोर्टल ही लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च दी ई श्रम पोर्टल. ई श्रम पोर्टल टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ. आर्टिकल 148 कैक्स रिलेटेड है. कॉम्प्टोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, कॉम्प्टोलर एंड ऑडिटर जनरल. आर्टिकल 148 अटॉर्नी से 76 है. इन इंडिया एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, इन हाउ मेनी डेज द कंपनी विल हैव टू कंप्लीट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? अभी इस पर श्योर नहीं है. अभी द इंड्यूस्ड करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिसिटी, परपेंडिकुलर टू द पावर सोर्स.
परपेंडिकुलर नॉट परपेंडिकुलर, चौथा गलत, परपेंडिकुलर टू पावर सोर्स भी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी के भी नहीं होता, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑलवेज इंड्यूस करंट हाईएस्ट कब होगा, जब उसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। व्हेन विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज़ बीन प्रोविजनली नेम्ड सी बॉर्गियम बाय अमेरिकन रिसर्चर्स, अभी इस पर श्योर नहीं है। ओके दिस वन, ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म वार्मिंग, लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑब्जर्व्ड सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, प्राइमरीली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच इंक्रीज द लेवल ऑफ हीट ट्रैपिंग। ओके ये सही है। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है। विच पॉजेज अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। क्या है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हो रही है ऑब्जर्व ग्लोबल वार्मिंग को, तो बोथ आर करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजिडेंट, अंबिका चरण मजूमदार तो 1916 का प्रेजिडेंट था, अंबिका चरण, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा से रिलेटेड था, तो इन दोनों में से कुछ होना है, अभी श्योर नहीं है। नेशनल सेंसेस डिड नॉट आइडेंटिफाई डैश ग्रुप्स विद इन इंडिया, रिलीजियस ग्रुप को मारते हैं हम लोग, ट्राइबल को भी शेड्यूल का, एथनिक नहीं नहीं जाति को तो नहीं मानते हम लोग, नेशनल सेंसस में कभी भी एथनिक्स का जिक्र ही नहीं है, एथनिक ग्रुप्स नहीं है। ये मैच करना ICAR, नहीं ये तो नहीं आता अभी। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन विच द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट क्लियर, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एल्गी एंड आर मेनली एक्वेटिक, तो NCERT का एल्गी, तो ये ब्रायोफाइटा तो एम्फीबियन होता है, टेरिडोफाइटा मीन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ही कॉल्ड एल्गी कहते हैं, दीज प्लांट्स आर मेनली एक्वेटिक थैलोफाइटा। लोकसभा ने अभी नहीं, COP28 इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन, नहीं 28 इजिप्ट, नहीं नहीं पहला स्टेटमेंट ABC पहला तो गलत है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस, नहीं नहीं पहली पेरिस में थोड़ी हुई थी, नहीं नहीं पहली पेरिस में तो नहीं हुई थी, अभी इसको मार्क्ड फॉर रिव्यू रखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी इश्यूड अंडर आर्टिकल 32, टोटल 5 रिट्स को इशू कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोबिट, सैल्यूटरी, प्रोबिटस, टोटल 5 रिट्स हैं आर्टिकल 32 के अंदर, 5 रिट्स कन्फर्म। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द एल्गी, नहीं अभी इसको कन्फर्म नहीं कर सकते हम। नेम द हॉट ड्राई ब्लिस्टरिंग विंड्स डेट ब्लोज बिटवीन दिल्ली एंड पटना, हॉट ड्राई तो लू, मैंगो रेन केरला साइड होती है, काल बैसाखी भी यहाँ नहीं, सब शावर ऑफ फ्लावर नहीं, लू, हॉट एंड ड्राई विंड तो लू होती है जो पूरा यहाँ से राजस्थान से लेकर बिहार तक बहती है, तो ये लू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं पहला गलत है, वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है नहीं इसमें। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शन लेस सर्फेस कैन अटेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नो नहीं। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज राइट, ये एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मैच द कॉलम्स, इसको भी मैच करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC एंड MFI, नहीं नहीं इस पर ये भी नहीं आता। विच ऑफिसर अंडर अलाउद्दीन खिलजी वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स, रजिस्टर ऑफ मर्चेंट, मोहतसिब
नज़ीर रईस परवाना, शहनाई मंडी जो मार्केट को मैंटेन करता था मर्चेंट, शहनाई मंडी अलाउद्दीन खिलजी के राज में इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, शहनाई मंडी था मुश्ताक राज अलाउद्दीन खिलजी, विच इज़ ए स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन प्लेटी हेलमेंथिस विच एक्ट्स लाइक अ किडनी एंड रिमूव्स वेस्ट मटीरियल थ्रू फिल्ट्रेशन. बी नॉट श्योर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च NEAT नीट 3.0 इन जनरल टू प्रोवाइड बेस्ट एट टेक सॉल्यूशन. एजुकेशन बाद में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो अभी ये जस्ट क्वेश्चन था. अभी ये कैग कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ही है जो पूरा का पूरा संभालता है. कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल. ओके अब नाउ इसको करते हैं सेंटेंस को अरेंज. सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सेकंड नहीं हो सकता है. ओके सी से. द मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस फ्लोर सिस्टम इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर्स. ओके 69 यू कैन सी. हेल्पिंग पेरेंट्स बिकमिंग सेवियर एट पिकिंग सेंटर. ऑप्शन टोजिंग रिटेंशन मोजर टू केयर गिवर आर अदर्स. हम अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सी है. सी के बाद क्या आ सकता है? ए बी या डी. बट दे डू लिटल एड्रेस द स्ट्रक्चरल नीड इम्प्रूव द क्वालिटी. डी नहीं आ सकता सी के बाद डी. तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं बचा थर्ड और फोर्थ. सी के बाद बी या ए में से कुछ आएगा. बी. द मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑन टॉप. सी के बाद ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है. द मोस्ट पहले बी के साथ चलते हैं हम. द मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ द फ्लोर सिस्टम इज एंड इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर. दीज फिक्सेज इंपॉर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड केयर मोर अफोर्डेबल फॉर पेरेंट्स एंड ऑफर लाइफ रेफ्स टू सेंटर्स. सेंटर सी बी ले लिया. बट दे डू लिटल सक्सेस लिटल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल नीड इम्प्रूव क्वालिटी फॉर किल बेटर वेजेस. हेल्पिंग पेरेंट्स बिकमिंग सेवियर. डी के बाद ए तो नहीं बन रहा है सेंटेंस में तो बी भी ये भी नहीं आ सकता. डी के बाद ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सी के बाद ए सॉल्व करते हैं. सी के बाद ए. द मोस्ट प्रपोज्ड गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस फ्लोर्ड सिस्टम इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज चाइल्ड केयर. हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम अ सेवियर एट पिकिंग केयर ऑप्शन एंड टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर आर अदर. सी के बाद ए. दीज फिक्सेज इंपॉर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड केयर मोर अफोर्डेबल फॉर पेरेंट्स एंड ऑफर दिस. बट दे डू लिटल एड्रेस. ये सी ए बी डी. डी लास्ट में सेटिस्फाई कर रहा है कि बट का सेंटेंस है और इसको लेकिन में. तो डी लास्ट में ऑप्शन. फिर आया 70. में क्या कर सकते हैं 70 में किससे सेंटेंस चालू होगा? ही डिफाइंस डेमोक्रेसी. ही तो कुछ भी नहीं है तो क्यू से कभी सेंटेंस चालू नहीं हो सकता. क्यू से सेंटेंस फोर्थ ऑप्शन तो कट हो गया. फिर आया एस. टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑफ द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके पहले बी से एस. फिर आ रहा है सर्टेनली डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एस आर क्यू. ही डिफाइंस. वापस क्यू कैसे आ गया? ही है कौन? तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा तो बच्चे फर्स्ट और थर्ड. फर्स्ट और थर्ड के अंदर देखेंगे पी से स्टार्ट होगा सेंड. पी. परहैप्स नो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर पॉपुलर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल देन वाट इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन.
पी से हो गया, पी से आ गया, पी के बाद क्या लग गया, तो क्यू या तो एस, पी क्यू और पी एस, पहले पी से लेते हैं। ही डिफाइन डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सर्टेनली डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन। पी क्यू आर एस तो सेट हो रहा है, पी एस वाले को भी सेट करके देखते हैं। परहैप्स नो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर पॉपुलर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल देन वॉट इज गिवन बाई अब्राहम लिंकन। टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही डिफाइंस फिर क्या है, सर्टेनली डेमोक्रेसी इज द ही डिफाइंस डेमोक्रेसी, बहुत डिस्टेंस हो गया पी और क्यू में, पी क्यू आर एस, यहाँ पे अब्राहम लिंकन का जिक्र हो रहा है, फिर ही डिफाइंस द डेमोक्रेसी, तो यही होगा। देन आई एम गोइंग फॉर दिस फोर्थ हारे वाला, 74th। या तो सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा या सी से, बी या सी से होगा, तो पहले हम सी से स्टार्ट करके देखते हैं। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माइक सर, इट वॉज ऑक्सफर्ड, इट तो नहीं है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में सर गया, सी से स्टार्ट नहीं होगा, सेंटेंस तो बी से ही स्टार्ट होगा, बी। अंटिल 1960 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हैरे इन द म्यूनसिपैलिटी ऑफ एलिस अबाउट 20 miles ड्यू ईस्ट फ्रॉम द हेड टाउन वॉज द ओनली रेजिडेंशियल सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। ओके, फोर्ट हरे के बारे में बात चल रही है। बी के बाद डी सी और ए में से, द रीजेंट वॉज एंशियस फॉर मी टू अटेंड फोर्ट हरे, रीजेंट नो, बी के बाद डी नहीं आ सकता, फर्स्ट ऑप्शन भी कट, सी और डी में से कुछ आंसर बच रहा है, सी। फॉर यंग ब्लैंक साउथ अफ्रीकन्स लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज। फॉर साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ इट वॉज, सी के बी के पास सी आ सकता है और बी के पास आ सकता है ए। फॉर यंग सी से स्टार्ट करते हैं, बी सी ए डी वाला पहले चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन सी ए डी। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड येल ऑल रोल इन टू वन। फोर्ट हरे वॉज मोर देन डेट, इट वॉज अ बीकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स, द रीजेंट वॉज एक्सीशियस फॉर मी टू अटेंड एंड आई ग्रेट टू एक्सेप्ट, आई फेल्ट आई वॉज बींग ग्रूम्ड फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड। बी सी ए डी सही है, चलो सही तो लग रहा है, बी ए सी देखते हैं। फोर्ट हरे वॉज मोर देन इट दैट, इट वॉज अ बीकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर साउथ सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका। फॉर यंग साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, ए के बाद सी का बैठ रहा है, ए के बाद सी ही बैठ रहा है, सी के बाद ए नहीं बैठ रहा है, सी के बाद ए नहीं आएगा, सी के बाद ए नहीं आएगा, सेकेंड ए के बाद सी बैठ रहा है, तो फोर्थ इट वॉज द एनवी, इट से कभी सेंटेंस चालू हो ही नहीं सकता है। सेंटेंस इन स्पीड इन कम्फर्ट एवरी थिंग अबाउट हर, डी से भी नहीं, सेंटेंस तो चालू होगा तो सी से ही चालू होगा इसके अंदर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के अंदर सेकेंड भी गया फोर्थ भी गया, फर्स्ट एंड थर्ड है तो सी से चालू होगा। द टाइटेनिक वॉज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द वाइट स्टार लाइन, Everything about her was perfect, attractive and fascinating. In speed, in comfort, in beauty, in equipment, she was a masterpiece. It was the envy and admiration of the maritime nations of the world. C se chalu hoga sentence. C se chalu hoga sentence. C ke baad. The Titanic was the Queen Ellery. Pehle check karte hai CDAB wala. First option check karte hai. The Titanic was the Queen Ellery of her day and the pride of White Star Line. Everything about her was attractive and fascinating. In speed, in comfort, in beauty, in equipment, she was a masterpiece.
ये ए और डी आगे पीछे होना चाहिए मेरे साथ, ए और डी, ए डी आगे पीछे होगा तभी ये अच्छा लगेगा सेंटेंस, नहीं तो सेंटेंस में मज़ा नहीं आ रहा। ए और डी को आगे पीछे होगा तभी, नहीं तो अगर डी पहले आएगा तो फिर एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग इन स्पीड कंपेयर ना मतलब नहीं, पहले ए आएगा। सी के बाद है, द टाइटेनिक वॉज द क्वीन एलरी ऑफ अ डे एंड द प्राइड ऑफ द वाइट स्टार लाइन इन स्पीड इन कम्फर्ट इन ब्यूटी शी वॉज अ मास्टर पीस इट वॉज द एनवी एवरी थिंग इज लास्ट। मेंटली स्ट्रांग पीपल डू नॉट मेकअप टू सुसाइड ओवर ट्रिवियल इशू, मेकअप मतलब माइंड बनाना नहीं, डू नॉट गिव इन हारते नहीं है, डू नॉट गिव इन टू सुसाइड, ये ना दिस सेंटेंस अभी बहुत बाकी इंग्लिश, बाय द वैल्यू और फैक्ट के अंदर था कि कुछ ना कुछ आना है, वैल्यू और फैक्ट में देख, इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द फैक्ट, द वैल्यू नहीं आया था, वैल्यू कुछ एथिकल, बाय द फैक्ट दैट दे ऑपरेट फॉर रीजंस, आइंस्टीन वाला पैसेज पढ़ना, द सेज ऑफ साइंस आइंस्टीन वॉज सिटिंग इन अ डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड वन इवनिंग, हिज आईज वर ब्रीमिंग विद टीयर्स, the pain was evident on his face, he peeped out of the window of his room, the sun had set a few minutes back, the sky was filled with a reddish glow, at this sunset he felt that it was humanity that had sunk into devilish darkness and the reddish glow in the sky was the blood of humanity spilling all over the sky from earth, with tired steps he walked back to his chair and settled down. It was the 9th of August 1945. 3 days back, he had felt the same agony as if it someone had torn him apart. He was deeply hurt and depressed when he heard on the radio that America had dropped an atomic bomb on the Japanese city Hiroshima. Today, within 3 days, another bomb was dropped on another city, Nagasaki. Okay. He had heard that the blast released so much energy that it had paled all power destruction in comparison, and death had played out a pitiable dance of destruction. The flames that broke out of the bomb were burning, melting, exploding building. Scared of the heat of the bomb, people had jumped into lakes and river, but the water was boiling and people too were burned and killed. The animals in the water were boiled to death. The atomic energy destruction had just not stopped there. It had entered the atmosphere there and spread radiation that would affect people for generations to come. As the news of the atomic attack reached Einstein, he became aware of the glaring horror of the abuse of atomic energy. And his distressed restlessness knew no bounds. He could not control himself and picked up his violin to turn his mind on to other things. While playing the violin, he tried to dissolve his distress in its sad note, but couldn't. He was burning on the embers of destruction. His heart was filled with an ocean of agony and tears. Just continued streaming uncontrollably out of his eyes. Night had fallen. His daughter came up and asked him to eat something. His voice was distant and said, I do not feel like eating. He could not sleep that night. Lying down, he was thinking now he had drawn the attention of the then American President Roosevelt toward the destructive powers of an atomic world. He had thought that this would be used to scare Hitler and put an end to the barbarism that Hitler was up to. However, Roosevelt kept him in the dark and made false promises. Eventually, he had abused Einstein equation that resulted in the destructive experiments. His actions made science and scientists as murderers. Einstein kept on thinking for a long time. Eventually, he slipped into sleep. When he woke up at dawn, there was a new dawn in him. Set.
का एंटोनिम क्या होता है? राइज, सेट का एंटोनिम राइज होता है। सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम अगर देखी जाए तो इसके अंदर आइंस्टीन एंड हिज लाइफ के बारे में तो कुछ भी नहीं नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ में से कुछ है थीम, फर्स्ट एंड फोर्थ में से ही कोई ना कोई थीम है इसके अंदर। एप्रोप्रिएट टाइटल, आइंस्टीन एंड हिज वायलिन, नहीं डेथ इन हिरोशिमा, नहीं, या तो एटम बॉम्ब्स या वॉर एंड डिस्ट्रक्शन में से कुछ है। व्हाई आइंस्टीन रिफ्यूज टू हिल्ड, एज ही फेल्ट हैप्पी, एज ही फेल्ट गिल्टी, इसको गिल्ट था कि उसने कुछ गलत करा है जो इसकी इन्वेंशन, ही फेल्ट गिल्टी। दिस वन हो गया, वापस जी के सेक्शन में चलते हैं। टीम सर्विसेज, एक मैक्सिमम मेडल तो सर्विसेज लेके आई होगी, मोस्ट मेडल आर्मी टीम में तो सर्विसेज लेके आती है मैक्सिमम मेडल, तो ए का या तो फर्स्ट या टू में से कुछ है ए का, ये भी नहीं बैठ रहा अभी। 111 इन इंडियन एज पर सॉल्वेंसी, हाउ मैनी डेज कंपनी हैड टू रिजॉल्व इनसॉल्वेंसी, ये इकोनॉमी का है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है, 6 मंथ्स का, 180 डेज, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है 180 डेज का। सी बॉर्ड गेम, नहीं ये भी नहीं हो सकता अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1957, तो या तो भूपेंद्र नाथ बोस है या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, या तो भूपेंद्र नाथ है, भूपेंद्र नाथ बोस है या तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, इन दोनों में से कुछ है अभी। मार्क फॉर रिव्यू 116 के बाद इसको देखने दें। देख ए बी सी डी, अब यहाँ पे है हॉर्टिकल्चर रिसर्च, एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड से क्या दे रखा है, ए का क्या क्या हो सकता है, फोर्थ या फर्स्ट होगा एरिड का, फोर्थ और फर्स्ट में बीकानेर हो सकता है फिर, क्योंकि एरिड मतलब राजस्थान का एरिया ही एरिड है, बेंगलोर का है नहीं, तो ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट होते ही फोर्थ में पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ए का फर्स्ट आ गया तो फिर बी का ऑटोमेटिकली सेकंड आ गया, बी का सेकंड आ गया कॉटन रिसर्च का नागपुर, और नागपुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कॉटन होता है, ब्लैक सॉइल। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अब आया, और आया हॉर्टिकल्चर रिसर्च, अब राइस रिसर्च का कहाँ पे हो सकता है, 117 राइस रिसर्च कटेक और हॉर्टिकल्चर बेंगलोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है इसका, माइंड माइंड लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन में, काम नहीं चलेगा। फिर आया 119 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2020, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022, द लोकसभा रेफर्ड द बिल टू अ जॉइंट कमिटी पार्लियामेंट, ओके, प्रपोजल टू सेटअप कोऑपरेटिव इलेक्टिव अथॉरिटी 63A, कोई आइडिया ही नहीं इसके अंदर कि क्या होगा, तो जब कुछ भी आइडिया ना हो तो मैक्सिमम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव होता है, ऑल ए बी एंड सी, कि कोई आइडिया है नहीं तो ए बी सी ही होगा। फिर ये था इसके अंदर COP28 दिल्ली में तो नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत, और फर्स्ट पेरिस में नहीं हुई थी, पेरिस में तो अभी हुई थी जो 2015 में हुई थी पेरिस कॉन्फ्रेंस, तो ये तो नहीं है, तो बचा बी स्टेटमेंट, बी इज ओनली राइट। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, नहीं आता स्प्रिंग, ये हो सकता है पहला ए
बी सी एंड डी। सी क्या है? रेन। रेन कब आती है? श्रावण भाद्र में आती है, तो सी का तो हो जाएगा तीन, भाद्र में आती है, सी का तीन हो जाएगा। सी का तीन होते ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट एलिमिनेट सेकंड एलिमिनेट बचा थर्ड और फोर्थ। सी का थर्ड है तो डी का सेकंड है, तो डी का क्या है? सेकंड। अब बचा ए, क्या है? स्प्रिंग और समर। स्प्रिंग आती है कार्तिक में, मतलब बसंत का मौसम कार्तिक में ही तो आता है, और समर होगी फिर चैत्र वैसाख। ए का दो, नहीं नहीं ये सॉरी सॉरी रुक जा, डी का क्या करा मैंने? दो करा है ना, ए का, ए और बी का बाकी है, फर्स्ट और फोर्थ में से है, फर्स्ट और फोर्थ में से। आषाढ़ आ गया, आषाढ़ मतलब होता है वही, आषाढ़ का मतलब यही होता है कि स्प्रिंग, वैसाख में आ गई स्प्रिंग, ए का फर्स्ट होगा। बी समर, समर कब आती है फिर बच्चा? जो सेकंड फोर्थ आषाढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च नीट 3.0 इन जनवरी 2022 टू एंड टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एच टेक सॉल्यूशन। एच टेक है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पेशलाइज कैरेक्टर, स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल इन प्लेटी हेलमेंट्री एक्ट लाइक किडनी रिमूव्स वेस्ट मटीरियल। ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि फ्लेम सेल होता है, श्योर बट फ्लेम सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे, कार्ल लिनियस नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कार्ल लिनियस तो है नहीं, विलियम हेनरी विलियम नाम से ही नहीं बैठ रहा बच्चे, फर्स्ट और फोर्थ में से कुछ है। फर्स्ट और फोर्थ में अयंगर नहीं है, इंडिया का तो नहीं, मैं मोपी में अयंगर। एफ ई फ्रिच, फ्रिच इन दोनों में से कुछ था सेकंड और थर्ड में, या तो भूपेंद्र नाथ बोए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो भूपेंद्र के साथ चलते हैं हम। सी बोर्गी अमेरिकन रिसर्च, तो ये एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर का है, तो या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। सी बोर्ग तो 106 ए होता है मैक्सिमम ऑप्शन, तो ए के साथ में क्या आया? सर्विसेज वाला ये नहीं बैठ रहा। सेंट्रल थीम क्या थी? सेंट्रल थीम या तो साइंस आएगी या एटॉमिक वॉर वाली आएगी, इन दोनों बीच की दो तो नहीं आएगी। साइंस एंड इट्स बैड हैबिट, एटॉमिक वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, आई विल गो विद एटॉमिक वॉर। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। आइंस्टीन डेथ इन हिरोशिमा, नागासाकी में भी हुई तो ये भी नहीं, या तो एटम बॉम्ब्स या वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। पर सिर्फ एटम बॉम्ब्स नहीं, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन के ऊपर ही चल रही मैक्सिमम थीम। डैश कैन बी इधर बी मालवेयर और हार्डवेयर। द मेन पर्पज ऑफ दिस मालवेयर इज टू रिकॉर्ड द कीज प्रेस्ड बाय द यूजर्स। कीज प्रेस्ड बाय द यूजर मतलब की लॉगर्स। डैश ट्रांसमिट्स वन बिट, ट्रांसमिटिंग स्लो डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ट्रांसमिटिंग स्लो डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज का मतलब क्या हो जाता है कि ये एक सीरियल पोर्ट है, जो क्लियर हमने पढ़ा था कि सीरियल पोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव जो हमारे डेली इस्तेमाल, मतलब पेन ड्राइव ही होता है, SSD भी नहीं, हार्ड डिस्क हो जाती है पेन ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज टू क्लोज एन MS4। अल्ट्रा F4 का इस्तेमाल होता है बंद करने के लिए कुछ भी। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैच मेमोरी। कैच मेमोरी पहला, स्लोअर देन द मेन मेमोरी नहीं। इट कीप्स द प्रोग्राम डेट कैन बी रन इन शॉर्टेस्ट टाइम। इट स्टोर्स डेटा इन अ टेम्पररी यूज़।
बिल्कुल सही, इट एक्ट लाइक ए स्पीड ऑफ बिटवीन सीपीयू मेमोरी। इनकरेक्ट, तो पहला वाला, ये फास्टर होती है, इट इज़ नॉट स्लोअर देन द मेन मेमोरी, इट इज़ अ फास्टर कैच, इट मीन फास्टेस्ट मेमोरी। इस शॉर्टकट कैन बी यूज टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर को खोलने के लिए विच ऑफ द शॉर्टकट कैन बी ओपन, तो ये होता है विंडो की प्लस ई, विंडो की प्लस ई को दबाते ही विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है। डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर द नेटवर्क ट्रैफिक, नहीं, डैश एक्ट एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेल सर्वर नहीं, डेटाबेस सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर में से कुछ हो सकता है। डैश सर्वर एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक्सेस दे रहा है, तो डेटाबेस नहीं होगा, एप्लीकेशन सर्वर होगा। एक डैश इज ए कंटेजियस प्रोग्राम डेट अटैचेस टू इट्स पीसेज ऑफ रिप्रोड्यूस इट्सेल्फ व्हेन दैट सॉफ्टवेयर इज रन, देन इट इज़ अ वायरस, वायरस इज अ कंटेजियस प्रोग्राम और कोड डेट अटैचेस इट्सेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सेलेक्टेड विंडो टेन स्क्रीन, नो आइडिया। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्क, तो नई खोलने के लिए तो कंट्रोल प्लस एन होता है, न्यू ब्लैंक बुक है। डैश इज अ रीडिंग डिवाइस डेट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट बाय कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बोल रहा हूँ, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR का इस्तेमाल होता है जो मॉल में इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये नहीं आता अभी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट CPU, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन एंटर एंड लीव द प्रोसेस, ओके। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट स्टोरिंग इट फॉर अ फर्दर प्रोसेसिंग, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो मैथमेटिक अपनी, बिल्कुल सही है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड ऑपरेट्स मैसेज, ALU is responsible for taking the input and converting it to a signal. Arithmetic logic unit का simple काम है calculation करना, इसको store करना काम थोड़ी है इसका। Which among the following registers in the instruction cycle hold the last instruction fetched? Last instruction fetched. No idea. In Gmail, what do you use when you receive a mail and want to send the mail in response of the mail to original sender only? We simply use reply. Simple reply का option आता है, reply कर देते हैं कि हाँ, तो reply का use करते हैं। Which of the following is not a magnetic disk? DVD, Winchester भी देखेंगे इसको। Quick access toolbar. Okay. इनकरेक्ट स्टैंडर्ड बतानी है। मेमरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर, मेमरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोड एनीथिंग, सही है। अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर, इट इज करेक्ट। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू द वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग, ओके। डाउनलोडिंग इज प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम वेब सर्वर टू द मशीन। मेमरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर, नो नो, मेमोरी वेब सर्वर में क्यों चाहिए होगी मैम, मशीन में मेमोरी चाहिए होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हाउ डेटा इज एक्सचेंज ओवर द, हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू IP, तो ये हो सकता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करता है। नाउ द अगेन कम्स इधर, डैश इज द नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल, रूटर होता होगा, मल्टीपल रूटर, ये नो आइडिया। मैच लुकअप वैल्यू लुकअप पैरे, मैच फंक्शन, तो सिंपल कभी इसका तो कोई आइडिया नहीं है मेरे को कि 143 का क्या होगा, जब आइडिया नहीं है तो ऑल PQR। इंस्ट्रक्शन फेच्ड, तो वन इंस्ट्रक्शन साइकिल है तो इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क? डीवीडी, जो ऑप्टिकल डिस्क है ये दो, एक ये नहीं कर सकता मैं, नॉट दिस वन, ये दो क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं आ रहे हैं अभी, अल्ट शिफ्ट बाज में कोई आइडिया नहीं है मेरे को, देन सबमिट। तो अभी आपने देखा होगा जो मेरा, मैंने मेंस का मॉक दिया है, तो आपको उसी तरीके से देना है, आपको सिर्फ अपना काम रहना है, डेली डेली मॉक लगाइए, एक कॉन्फिडेंस का गेम है, तो कभी कोई हार्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको स्किप करना सीखना है। वो आप कैसे सीखेंगे? जब आप डेली डेली मॉक देंगे तो आप अपने मेंस के मॉक को देते रहें डेली एक एक, और जो भी गलतियां हो रही है आपकी उसको अलग से नोट करें, उनको रेक्टिफाई करें और अगले मॉक में इंप्रूव करें, ताकि आपकी धीरे धीरे प्रोसेस है और आपकी डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगी और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे।